नमस्कार दोस्तों, एकता रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ एकदम अलग तरह का चटपटा नाश्ता, जो दिखने में भी सुंदर है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। चलिए तो फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसके अंदर हम एक कप मैदा डाल देंगे। साथ ही हम इसके अंदर 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। मोइन के लिए आप देसी घी का भी यूज कर सकते हैं। नमक डाल देंगे 1/2 चम्मच। 1/2 चम्मच ही हम इसके अंदर अजवाइन डाल देंगे। हाथ से क्रश करके डालें ताकि इसका फ्लेवर जो है वो उभर के आए। सभी चीजों को हम आपस में अच्छे से हाथ से मिक्स कर देंगे। हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये मैदा जो है वो बंधना चाहिए। अगर वो बंध नहीं रहा है तो आप 2 चम्मच इसके अंदर तेल, घी, जो भी आपने यूज किया है वो और डाल सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम बांध के देखेंगे तो ये बंध रहा है। हमें ऐसा ही मोइन चाहिए। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक स्मूथ सा डो बना लेंगे। ज्यादा टाइट डो नहीं बनाना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। एक साथ पानी नहीं डालना है, नहीं तो डो जो है वो पतला हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं डो मैंने लगा लिया है और अब हम इस डो को साइड में रख देंगे। अब स्टफिंग बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 4 उबले हुए आलू लिए, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया। 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। 1/2 चम्मच हम इसके अंदर लाल मिर्च, 1/2 चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। चाट मसाले की जगह आप अमचूर पाउडर या 1/2 नींबू का रस का भी यूज कर सकते हैं। 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। 1/2 चम्मच हम इसके अंदर गरम मसाला डाल देंगे। 1 हरी मिर्च डाल देंगे बारीक कटी हुई और 1/2 कप हम ब्रेड क्रम डाल देंगे। 2 चम्मच हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर की डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर हरा धनिया डाल देंगे और इन सभी चीजों को हम आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए, मैंने सभी चीजों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करके एक चटपटी सी स्टफिंग जो है हमने तैयार कर ली है। तो इस स्टफिंग को अब हम साइड में रख देंगे और मैदे के डो को हम चेक कर लेंगे। इसमें से हमें 2 लोइयां बनानी हैं बराबर बराबर। 1 लोई लेंगे, उसके ऊपर हम सूखा आटा या मैदा लगा लेंगे और इसे बड़ी सी रोटी बनाकर बेल लेंगे। रोटी ना तो ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली। हाथों से इस तरह से फैला लेंगे और इसके ऊपर हम सूखा मैदा लगा लेंगे और इसे बेल लेंगे। काफी बड़ी रोटी बनानी है हमें। तो देखिए, मैंने बड़ी सी रोटी बना ली है और इसे हम थाली में रख देंगे। थाली जितनी ही मैंने बड़ी रोटी बनाई है। और दूसरी लोई लेंगे, इसकी भी हम एक बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए, ये रोटी भी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। ना तो ज्यादा मोटी है और ना ही ज्यादा पतली है। और अब हम इसके ऊपर आलू की स्टफिंग लगाएंगे। तो इस तरह हमें पूरी रोटी पे आलू की स्टफिंग जो है फैला देनी है। ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगानी है और ना ही ज़्यादा पतली लेयर लगानी है। बस इस तरह से हम पूरी रोटी पे इसे फैला देंगे। तो देखिए, मैंने पूरी रोटी पे इसे फैला दिया है। अब इसके ऊपर हम दूसरी रोटी अच्छे से सेट कर देंगे। तो देखिए, मैंने बहुत ही अच्छे से इसे सेट कर दिया है।
और अब हम चाकू की सहायता से इसे चौकुर कर लेंगे, काट लेंगे। देखिए इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। मैंने चारों ओर से इसे कट कर लिया है और अब हम 1.5 इंच के व्यास में या 2 इंच के व्यास में इसे कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से लंबे लंबे कट कर लेने, और अब हम इसके बीच में से भी कट कर लेंगे बराबर बराबर। और अब हम एक उठाएंगे स्टिप और इस तरह से उसे मोड़ लेंगे। इस तरह से हमें मोड़ लेना है। सभी स्टिप हम इसी तरह मोड़ कर तैयार कर लेंगे। तेल मैंने गर्म करना रख दिया है। तेल हमारा मीडियम सा गर्म होना चाहिए और इस तरह से ही इसे पकड़कर हमें कढ़ाई के अंदर डाल देना है। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। और ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमें इसे फ्राई नहीं करना है। जब ये हल्की सी फ्राई हो जाएंगी तब हम इनको झर की सहायता से उलट पलट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से बहुत ही टेस्टी नाश्ता है। आप बनाएंगे खाएंगे तभी आपको पता चलेगा। इसी तरह उलट पलट करते हुए हम इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं इन पे बहुत ही अच्छा सा कलर आने लगा है और ये दिखने में बहुत ही सुंदर लग रही हैं। जितनी सुंदर दिखने में लग रही है खाने में उतनी टेस्टी है। अब हम इनको निकाल लेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो गई हैं। और इसी तरह हम इसका दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड वीडियो को पूरा देखें और मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मैं बहुत ही आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड। प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए ये भी फ्राई हो गए हैं, इनको भी हम निकाल लेंगे। तो सभी हम इसी तरह फ्राई करके तैयार कर लेंगे। मैंने इसे टमाटो सॉस के साथ सर्व किया है। आप इसे धनिया की चटनी, मीठी चटनी जैसे चाहे खा सकते हैं। बहुत ही सुंदर ये दिख रहे हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी है। बाहर से क्रिस्पी है और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट है। तो ये छोटे साइज़ के भी मैंने बनाए थे, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आप इस साइज़ के भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।